राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और भारत में स्मृति ईरानी ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया। एक्चुअली मोस्ट पार्टीज इन इंडिया हैव दैट प्रॉब्लम, सो डोंट गिव अस स्टिक बिकॉज मिस्टर अखिलेश यादव इज अ डायनेस्ट, मिस्टर स्टालिन इज अ डायनेस्ट, मिस्टर धुम्मल सन इज अ डायनेस्ट, सो you know even Abhishek Bachchan is a dynast. I mean that's how India runs. So don't get after me because that's how the entire country is running. By the way, last I recall, Mr. Ambani's kids were running their business, and that was also going on in Infosys, right? So it's that's what happens in India. But saying that, I do try to sort of change it in the Congress party. ये भी उचित होगा कि आज राहुल गांधी जी ने जब विदेश में कहा कि हिंदुस्तान तो ऐसा ही है, डायनेस्ट्स ही वहां सब कुछ चलाते हैं, शायद वो भूल गए कि आजाद हिंदुस्तान में आज कई ऐसे नागरिक हैं जो कई क्षेत्रों में अपनी ओर से योगदान देते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं एक सामान्य गांव से आते हैं, गरीब परिवार में जन्मे हैं। डिसीजंस लाइक डिमोनेटाइजेशन व्हिच रिमूव्ड 86% ऑफ कैश फ्रॉम सर्कुलेशन ओवरनाइट and was carried out unilaterally without asking the chief economic advisor, the cabinet, or even parliament, imposes a devastating cost on India. The government's economic policies, demonetization, and a hastily applied GST have caused tremendous damage. Demonetization, a completely self-inflicted wound, caused approximately 2% loss in India's GDP. कांग्रेस के नेतृत्व में जीएसटी की विफलता अपने आप में इस बात का संकेत थी कि कांग्रेस ने किसी भी राजनीतिक दल को कॉन्फिडेंस में ना लिया, ना किसी प्रदेश की सरकार में उस कॉन्फिडेंस को जागृत किया कि जीएसटी पास हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों का एक साथ आना, सभी की प्रदेश की सरकारों का एकजुट होना अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ गुड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा संकेत है।